एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर वंशिता। तो दीदी अभी थोड़ा देर के लिए काम कर रही है, तो दीदी का हम स्टूडेंट हड़प लिए कि थोड़ा सा हम लोग गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, अपना ब्लॉग का स्टार्ट कर लेते हैं। और आज बहुत सारा काम है, और किसको मेरे तरह गमौड़िया हुआ है? हुआ है किसी को? नहीं हुआ है, मतलब तुम लोग ज़्यादा गर्मी में घूमी नहीं हो। मैं इतना ट्यूशन जा रही हूँ ना, धूप में 3 बजे सुबह का 9-11 बजे ट्यूशन रह रहा है, पूरा गमौड़िया से भरा पड़ा है ये पूरा वाला। मेरे फिंगर्स में या फिर कुछ फेस तो इतना गंदा हुआ पड़ा था, फेस में तो छोटा छोटा हो गया था, मतलब फेस फिर भी अच्छा है, पर गले में अभी भी है, यहाँ पे गले में अभी भी है मेरा। ठीक है, तुम बैठ जाओ ना, मिस आएगी तो मारेगी, जाओ। बाय बाय बाय। तो यहाँ पे टीचर आ गई है, चलो चलो जल्दी से आओ, तुम लोग जाओ वरना मिस मारेगी, मेरे को बस गुस्सा करेगी। मैं दीदी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, दीदी पढ़ाने बैठ गई है, और अब नहीं, अब डिस्टर्ब नहीं करूँगी, अब मैं रूम में जा रही हूँ। सो अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, और मैं और पिंकी दीदी जा रही हूँ कहीं काम से। और मैं रास्ते में बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बिकॉज एज यूजुअल लेट हो चुका है। पिंकी दीदी हमेशा लेट होता है, और हम लोग के साथ पूछ बन के दीदी भी जा रही है, जो दौड़ दौड़ के आ रही है कि हम लोग भाग ना जाए, इसलिए क्योंकि मेरा हो चुका लेट और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं की। इन लोग से सबसे लेट काम हमें स्टार्ट किए, लेकिन सबसे पहले रेडी हो गए। बैठो ठीक से, एक जन यहाँ पे काम दे रहा है कि मेरा ब्लॉग स्टार्ट करो। हाँ चलिए भैया, चिल्ला रही है, बाय चिंकी, बाय पिंकी चिल्ला रही है। मम्मी की वजह से लेट हुआ, मम्मी चिल्ला रही है, बाय चिंकी बाय चिंकी। अब झाड़ू मारेगी? हाँ अभी नहीं मारेगी, यहाँ पे एक जन रेडी बोली तुरंत निकलने वक्त थोड़ी मारेगी, बाद में मारेगी। मुझे कभी जाता है कि दूर ना, तब ऐसा होता है। मम्मी मम्मी को भी काम करना है, कपड़ा धोने से भी गिर ना जाए। ठीक है दीदी, यहाँ पे रेडी हो रही है, दीदी अभी तक रेडी नहीं है, बस मैं टोटो में बैठने गई जैसे तैसे नीचे में आ गई। एक्चुअली मैं ट्रेन छूट के है 11 बजे, मैं ट्रेन छूट गया है, इसलिए मेरा फिर टोटो, देखिए पिंकी का टोटो आया है, निकलती हूँ आधा अधूरा से रोक के निकली। ठीक है दीदी को ना, अभी बढ़ता जा रहा है, कम हो गया पूरा। आजकल चीज़ नहीं देखेंगे, कैसे करती है ना, बहुत बनती है लड़की। ठीक है अभी हम लोग चलते हैं, तो मैं जा रही हूँ कुछ टेस्ट कराने, डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मतलब हॉस्पिटल जा रही हूँ, और यहीं पास में। और दीदी यहाँ पे मतलब मेरे को भी धूप लग रहा है, पर इसके वजह से नाटक ज़्यादा है, एकदम बैठ गई है। और ये जा रही कहाँ, बंद करो ना, ये आ जाएगा कॉपी राइट, सुनाई नहीं देगा नहीं। और ये जा रही है माँ के घर, वहाँ पर थोड़ा कुछ काम है दीदी को, वहाँ पे जा रही है। और गुंजन मेरा साथी सारथी बन के जा रही है, मुझे समझा के जाते रहती है। और क्या हुआ, मूड ऑफ मर्डर, जो भी दीदी उतर जाएगी उसके बाद हम और गुंजन पहुँच जाएंगे, फिर दिल्ली सारा काम कराना है। आज मैं अपना सुबह वाला ट्यूशन नहीं गई, क्योंकि मेरे को ये नहीं करना था, डॉक्टर के पास जाना था, सुबह वाला ट्यूशन नहीं गई। मैं अब शाम को ट्यूशन जाने वाली हूँ, तो वहाँ से आके मुझे फिर शाम को भी ट्यूशन जाना है, तो बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है आज। तो दीदी चली गई, और दीदी जा रही थी, मैं सारा सामान छोड़ के जा रही थी, फोन में बात कर रही थी भैया से, भैया का कुछ, हाँ भैया का फोन आया था कहाँ, तो भैया से बात करने में इतना मगन थी कि छोड़ के जा रही थी, तो भैया जाती थी पर्स छोड़ रही हो अपना, बस बहुत धूप है यहाँ पे, इतना ज़्यादा गर्म, बहुत ही गर्म चल रहा है, पहुँचते हैं यार, मतलब इतना गंदा गर्मी है ना, इंसान को बाहर निकलने का मन नहीं करता, काम है तो बाहर निकलना पड़ता है, काम इसलिए निकले यहाँ पे बैठे रहना है, जब अपना लाइन आएगा तब वो जाना है। तो गाइस हम लोग का हो चुका है, अब मैं निकलूँगी, टोटो शायद आ गए, तो बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर, काम हो गया, बहुत देर से बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा बहुत भीड़ रहता है, तो बस निकलते हैं, गुजर भी बोरी हो रही थी और चलते हैं। तुम्हें क्या लगा है? भूख लगा है बेचारी को, हम रास्ते में कुछ नहीं खिलाने वाले, 500 का कुछ नहीं खिलाई थी मेरे को ये, बस मेरे को बोलते रहे कि 500 निकालिए, कुछ खिलाई नहीं। हम लोग का वेलकम करने आ गई है छिपकली, छिपकली हट जाओ, छिपकली है, छिपकली हट जाओ, अरे वहाँ पे दरवाजे के ऊपर है, खा जाए क्या, अरे मत उसको बंद मत कीजिएगा,
गुंजन से मम्मी से ज़्यादा गुंजन डर गई। हाँ को भी डर लगता है बहुत ज़्यादा छिपकली से। कमेंट में बताना किसको छिपकली से डर लगता है। नहीं कर रहे हम लोग चिल्ला चिल्ली, हम लोग छिपकली से बहुत डर लगता है। गुंजन तुमको भी लगता है ना गुंजन? हम तो वाशरूम में देख लेते हैं छिपकली से, हम जाते नहीं वाशरूम में। तो गाइस मैं घर आ गई थी, घर आके मैंने खाना पीना खा लिया, गुंजन भी खा ली और सब लोग अभी आराम कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब कोलकाता में इतना गर्मी क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और भी कहीं पे है गर्मी की नहीं है मुझे नहीं पता, बट कोलकाता में सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब अगर हवा भी है ना तो हवा भी गर्म गर्म हवा आ रहा है। इतना गर्मी में मैं ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो चुकी, पानी ले लिया मैंने और ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। कोलकाता में सच में बहुत गर्मी है। मेरा फ़ोन हैंग कर गया था, मैंने एक क्लिप लिया था बट इसके पहले फ़ोन हैंग कर गया था, तो मुझे उस क्लिप को शायद कट करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा बाद में कि ढंग से मतलब क्लिप हुआ है कि नहीं, बाद में चेक करेंगे। जल्दी से नीचे चलती हूँ, टोटो वाले भैया आ गए होंगे, मैं नीचे उतरती हूँ। और अभी भी फ़ोन में कुछ ना कुछ हो रहा है, फ़ोन को भी धूप लग गया है। अभी थोड़ा गर्मी भी कम है ना। हाँ दोपहर में तो बहुत गर्मी था, अभी फिर भी थोड़ा सा कम है। बादल आ रहे हैं, बारिश हो जाए बहुत बढ़िया। बारिश आएगा ना तो सही रहेगा, दो तीन दिन मैंने हल्का बारिश भी कर देगा ना रात रात को। एक दिन बारिश होगा तो इसलिए तो बोले दो तीन दिन लगातार करेगा थोड़ा सा मौसम। सप्ताह भर पूरा बारिश मॉनसून चेक करेगा। इतना गंदा गर्मी पड़ रहा है ना, तो मेरा ट्यूशन आने का मन नहीं था बिल्कुल। हम सोचे कि माए तो वही ना, हम तो मम्मी बोली खाना खा लो खाना खा लो, खाना खाए और फिर उठ के बैठे ही कि देख रहे 3:30 बज गया। फिर आपको देखा आपको फोन आया हुआ है। तो मैं बस रास्ते में हूँ ट्यूशन के लिए निकल गई हूँ, अभी थोड़ा सा भूख कम है, अच्छा भी लग रहा है ठीक है फिर, बट मेरे को अपना स्किन का हालत देखकर बहुत खराब लग रहा है। स्किन का जो हाथ हुआ है ना मेरा बहुत खराब लग रहा है। तो बस मैं जाऊँगी ट्यूशन, पढ़ाई वढ़ाई करना है, पढ़ाई वढ़ाई करके फिर निकलूँगी। जिसको जाना जिम मेरे को, तो आज जिम जाना हो पाएगा कि नहीं पता, अगर थक गई ज़्यादा तो जिम नहीं जाऊँगी, अगर बॉडी पर थोड़ा जान बचा रहा तो जिम चली जाऊँगी। देखते हैं जब निकलेंगे ना, देरी से छुट्टी हुआ तो नहीं जा पाऊँगी, अगर 6 से 6:30 हो गया तो नहीं जा पाऊँगी। देखते हैं जल्दी छुट्टी हो गया तो निकल जाऊँगी जिम जाने, मैं डायरेक्टली जिम चल जाऊँगी। मैं ट्यूशन से निकल चुकी हूँ और जिस टोटो से मैं रेगुलर अप डाउन करती हूँ वो भैया ना अभी कुछ काम था उनको तो वो नहीं आए, तो मुझे दूसरा टोटो पकड़ना पड़ा। और दूसरा टोटो पकड़ने के लिए मुझे मेन रोड तक आना पड़ता है, तो मतलब मेरा अननोन प्लेस था ये, बट मेरे जो टीचर है उनके साथ मैं पैदल चल चल के वॉक करते करते मेन रोड तक आई और मैं बीच में एक बार भी लड़खड़ाई थी, मतलब आराम से आ गई। तो यहाँ बस यही बता रही थी मैं कि मैं आराम से आ गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो फिलहाल मैं घर जा रही हूँ, घर जाके उसके बाद कुछ खाऊंगी पीऊँगी। ऐसे खाना खा के आई थी बट अभी ना थोड़ा बहुत खाया था, थोड़ा सा भूख लग रहा है, तो देखते हैं घर पे क्या है, वो खाऊंगी पीऊँगी और फिर सोच रही जिम निकल जाऊँगी। तो मैं घर नहीं गई थी, डायरेक्टली जिम आ गई हूँ और अभी मैं जिम कर रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ सारा अपना, और थक गई हूँ बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गई हूँ। फिर से घर जाना पड़ता, फिर से आना पड़ता, डबल खटनी पड़ जाता, इसमें डायरेक्टली जिम आ गई और यहाँ पे अपनी जिम पार्टनर के साथ जिम कर रही हूँ। मैं इसको बोली वीडियो लेने के लिए, ये लड़की मैं वीडियो पे हंसा रही थी बार बार, थोड़ा सा झलक दिखा दिया। ठीक है ठीक है, जिम हो गया है एंड अब ना घर जा रहे हैं। नहीं जाएंगे हम, मैं कितना दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ पता है आपको, बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। डेली ब्लॉग डालिए, हम लोग भी तो आपके सब्सक्राइबर हैं, वेट करते हैं। नहीं ये लड़की, ये लड़की बोलती है मेरे को ज़्यादा मत लीजिए, बोलती ज़्यादा मत लीजिए मेरे को, कैमरा कैमरा चाहिए थोड़ा सा, घर रेस्ट्रिक्शन, घर वाला कोई देखेगा बोलेगा रेस्ट्रिक्शन। ठीक है मैं घर जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। बाय दोस्तों, बाय दोस्तों।
दीदी इज हियर। पसीने से चलते हुए आए हैं। क्यों तुम कुछ खाने के लिए लेकर आई? मेरे को भूख लगा था दीदी। अच्छा लग रहा है। क्या क्या ली तुम दीदी आज? सब तुम्हारा कपड़ा ठीक है? दिखाओ सब, दिखाओ जो ले ली हम देखे। गुंजन मम्मी बोली ना गुंजन को कि उठो, मैं पैर में दर्द हो रहा था, बोलती है ब्लॉक के सामने बैठा लिए मेरे को, नहीं बैठाइएगा पैर में दर्द हो रहा है मम्मी। नहीं करती एक्सरसाइज, नहीं करती मम्मी, नहीं से नहीं। हम वहीं से वहीं ना जिम चले गए दीदी, फिर माँ भी गए जल्दी ले ली। यहाँ पे दीदी ब्लॉक कर रही है और गुंजन इतरा रही है इतना, बिकॉज गुंजन का बहुत सारा कपड़ा आया है, पता अपने लिए कपड़ा खरीदिए, इसलिए बहुत खुश है। खुशी देखिए इसका। तो गुंजन आ गई है, गुंजन का कपड़ा देखती हूँ मैं। वैसे कुछ ज़्यादा लाइन नहीं है, अपने लिए बहुत सारा लाए हैं और किसी के लिए लाया। अपने 500 का ना? नहीं हम अपना पैसा से क्यों कपड़ा लाएंगे दीदी, है तो 500 निकाले थे ना अपना। नहीं तुम कपड़ा के लिए नहीं निकाले थे, वो कपड़ा मेरे को दीदी दी है सारा। से खिलाई नहीं है आज, मैं जब मेरे से बाहर गई थी मेरे को याद आ गया था। तुम्हें काम करना है, बोली कुछ खिलाने के लिए मुझे याद आ गया। इसका थंबनेल तुम 500 रुपया रख देना। यार 500 रुपये क्यों रखेंगे, तुम खिलाई नहीं, तुम खिला दी तो रखते ना। लो दोनों ला लो। अरे बोल दे 500 रुपया खिलाने का। तो दीदी चीनी पानी रसना घोर रही है, रसना दिख रही है, रसना घोर रही है, तो मैं भी पी लूँगी थोड़ा सा, मैं भी बहुत थक गई हूँ जिम से आई हूँ ना। तो कल मेरी रिपोर्ट आएगा कि क्या है क्या नहीं है जो भी है, तो उसके बाद कल पता चलेगा क्या है। फिलहाल इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय एवरीवन, और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बाय एवरीवन, बाय बाय। बिहाइंड द सीन चल रहा है, तुम्हारी हाई वेस्ट ट्राई की इसको, इसमें दीदी चेंज नहीं है। तुमने ट्राई की? नहीं ये भाई कहाँ तक आएगा, बस यहाँ तक आएगा तुम्हारा, वहाँ तक पहुँचता नहीं तो ना वहाँ तक आएगा। हम तो यहाँ पे जाना है, कहाँ कुछ के लिए बस। मैं बिहाइंड द सीन ले रही हूँ दीदी और दीदी के, हमारे जीजा जी राहुल भाई ज्यादा अच्छा राहुल ये बहुत ढूंढे दीदी मिल जाएगा बीमारी का कवर भी है हां और राहुल भाई का कवर भी है ये अच्छा आने की पतली गई थी राहुल कितना वाली थी तुम्हें वाला वो भी मैं भेज दूंगा उसका को से लेना है और करना नहीं था और एक एक लास्ट पीस बचा था इसका और आएगा सेट सेल ट्रिपल एक्स दीदी सारा पैसे ले लें इससे। तुम ओके बोल रही हो? और नहीं तो क्या लेना पड़ेगा। तो वो अलग तो गाइस बाय बाय।